ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अच्छी खबर है। भोपाल के एम्स अस्पताल में अलग से एक ट्रांसजेंडर्स क्लिनिक खोली गई है। खास बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर्स ट्रांसजेंडर का समुचित इलाज करेंगे। सामाजिक जो एक दिमाग में लोगों की ये बात है कि ये लोग किसी प्रकार से डिफरेंट हैं और इनके ट्रीटमेंट को हम लोग अच्छे से नहीं लेते हैं, तो हम लोगों ने एक छत के नीचे डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो बैठेंगे। सर्जरी करानी है किसी प्रकार की, उसकी आवश्यकता है, उसको यदि हम लोगों डिसाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे हम सर्जरी की भी व्यवस्था है। तो अब इन लोगों को हर काम के लिए अलग अलग जगह भटकने के बजाय एम्स भोपाल में एक जगह पे एक छत के नीचे 4 से 5 डॉक्टर्स एक साथ उनको मिलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मनोचिकित्सक की व्यवस्था भी होगी, यहाँ पर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था भी होगी। हाँ, अस्पताल खोला, अच्छी बात है, हम लोग भी जा सकते हैं इलाज कराने के लिए और हम लोगों को सुविधा मिलेगी अलग से, अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के लिए हॉस्पिटल खुला है, सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, बड़ी खुशी की बात है कि अलग से इलाज के लिए हॉस्पिटल खुल रही, कितनी खुशी की बात है। बहुत से हॉस्पिटलों में दिक्कत परेशानी होती है, प्राइवेट में भी सरकारियों में भी, अब तो खुद का है, सरकार ने कितनी अच्छी बात सोची है, कितनी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। इसके अलावा एम्स व्यवस्था कर रहा है कि जो गैर सरकारी संगठन हैं और एनजीओ हैं उनकी मदद से वे यहां पर ज़रूरतमंद ट्रांसजेंडर्स को बुला सकें और उन्हें मदद पहुंचा सकें। अक्सर अपने आप को ग्रसित समझने वाले कुछ ट्रांसजेंडर्स संकोच करते हैं कि वे अन्य अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें, लेकिन वे यहाँ पर निसंकोच होकर इलाज कराने आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये उनके लिए राहत भरी बात है। कैमरा पर्सन सुनील सूर्यवंशी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, विस्तार न्यूज़, भोपाल।